नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 33 है। इस लेक्चर 33 के अंदर मैं उसको कुछ पार्ट से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि कुछ ऐसी चीज़ों को टच करने के लिए जिससे कुंडली देखते समय, क्योंकि मेन क्वेश्चंस कुंडली में क्या होते हैं, मेन क्वेश्चंस ये होते हैं कि सर मेरा प्रोफेशन कैसा होगा, कहाँ लगेगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, या शादी कब होगी, कैसी होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या संतान कैसी होगी, संतान अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, अपने माँ बाप की इज्जत करेगी या नहीं करेगी, कैसी संतान रहेगी, कितनी संतान होगी, कब होगी। तो ये इस तरह के सवाल कुंडलियों में अक्सर बहुत पूछे जाते हैं, बहुत देखे जाते हैं। और ये थोड़ा ठीक है, क्योंकि जनरली तो लोग इस तरह के सवाल ही पता करते हैं। तो आज ये जो वीडियो मैं आपके ऊपर इसके ऊपर बना रहा हूँ, मैं ये बनाने जा रहा हूँ कि संतान कब होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, और आपकी इज्जत करेगी या नहीं करेगी, आपका जीवन कैसा रहेगा, लग्जरी रहेगी आपके जीवन में या नहीं रहेगी, वो सारी चीज़ें इन वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये संतान के बारे में पूरी वीडियो है, जो कि हो सकता है कि 5-6 पार्ट इसके लग जाएं। ये पार्ट वन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पार्ट वन के अंदर इसको मैं नोट कर देता हूँ, पार्ट वन, ताकि आपको याद रहे। तो ये पार्ट वन है। तो पार्ट वन के अंदर आज मैं आपको केवल एक जनरल, क्योंकि जब आगे जाके मैं कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपको या कुछ चीज़ ऐसी बताने लगूंगा, तो उससे पहले कुछ फंडे ऐसे हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि वो फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर दूं, बता के कि कैसे कुछ इसको हम लोग निकालते हैं। अब इसके अंदर जैसे देखिए, किसी भी कुंडली के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपको उसका वो देखना है, सबसे पहले चाइल्ड का प्रॉमिस अगर देखना है कि कुंडली के हिसाब से चाइल्ड का प्रॉमिस आता है या नहीं आता है, तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि लग्न कैसा है कुंडली का। लग्न मतलब क्या हुआ कि लग्न मतलब होता है डिज़ायर। कि अब कोई आपसे आगे पूछता है कि भैया चाइल्ड कब होगा, तो आप उससे पूछते हो कि चाइल्ड कब होगा, भाई पहले तो ये बताओ तुम्हारी इच्छा है या नहीं है, या तुम अभी सोच के बैठे हो कि 2 साल बाद हम लोगों को ट्राई करना है या 1 साल बाद हम लोगों को ट्राई करना है। तो अगर ऐसा सोच के बैठे हो तो फिर तो कोई ज्योतिष भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपके मन में ये इच्छा आ गई कि भाई हाँ अब स्टार्ट करना है, एंड नाउ डिज़ायर इज़ देयर, तब उस केस में आप कुछ चीज़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं। और यही इसके अंदर होता है। जैसे ये संतान योग वगैरह जो थे, ये पहले ज़माने में तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में इन योगों का कोई खास वो नहीं था, कोई फैमिली प्लानिंग सिस्टम नहीं थे। तो शादी के बाद कभी भी बच्चा हुआ तो ये योग बन जाते थे। तो उस वक्त ये कहना बड़ा आसान होता था कि कितने बच्चे होंगे या कब कब आपके यहाँ बच्चे होंगे, तो वो ज्योतिष में कहा जा सकता था। आज की डेट में सब फैमिली प्लानिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, और हर आदमी अपनी इच्छा के अनुसार के अपना बैंक बैलेंस देख के, अपनी नौकरी देख के, अपना प्रोफेशन देखने के बाद ये डिसाइड करता है कि कब हमें चिल्ड्रन के लिए जाना चाहिए, चाइल्ड के लिए जाना चाहिए। तो उस केस में ये थोड़ी लिमिटेशंस हैं ज्योतिषी की, कि वो आदमी बता नहीं पाता आपको कि कब आपका होगा। तो अगर ऐसा आपको पूछना है किसी से, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको डिज़ायर है या नहीं है, वो भी एक देखने वाली बात होती है। तो डिज़ायर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ, डिज़ायर सेल्फ ही होगी। तो लग्न देखिए, चाहे ये फीमेल कुंडली हो चाहे मेल कुंडली हो, कोई भी कुंडली हो, उसके अंदर पहले आप उसका लग्न देखिए। अगर उसका लग्न अच्छा है, लग्न पीड़ित नहीं है, लग्न पे बुरे ग्रह बैठे नहीं हैं, क्रूर ग्रह जो होते हैं नैसर्गिक पाप ग्रह, या लग्न में किसी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो डिज़ायर है। और अगर लग्न फिर दूसरा आप देखिए कि पांचवा हाउस कैसा है, तो पांचवा हाउस देखिए आप। अब पांचवे हाउस में, जैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूँ, तो आपका लग्न देखा, फिर आप देखिए पांचवा हाउस। अब पांचवा हाउस आप देखेंगे तो पांचवा हाउस देखने के बाद देखिए कि इसमें कोई ग्रह पाप ग्रह तो नहीं बैठा, ये पांचवा ग्रह पांचवा हाउस पीड़ित तो नहीं है आपका। अगर मान लिया पांचवा हाउस आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है और पाप ग्रह उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो पांचवा हाउस अगर पीड़ित हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है चाइल्ड के अंदर, क्योंकि पांचवा हाउस ही संतान का हाउस होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है देखना कि पांचवा हाउस कैसा है। तो सबसे पहले लग्न देखें, फिर हम पांचवा हाउस देखें, फिर हम देखें पांचवें हाउस का स्वामी कैसा है, फिफ्थ लॉर्ड।
अगर फिफ्थ लॉर्ड भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफ्लिक्टेड नहीं है, कोई बुरा एसोसिएशन नहीं है, कोई मैलिफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड भी ठीक है, तो ये भी अच्छा हो गया। फिर हम देखते हैं बृहस्पति जुपिटर, क्योंकि बृहस्पति पांचवे भाव का कारक होता है जो संतान भाव है, और बृहस्पति वैसे भी बोलते हैं संतान कारक होता है। तो बृहस्पति को देखिए, अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बृहस्पति भी ठीक ठाक प्लेस्ड है, ठीक ठाक है अवेलेबल कुंडली के अंदर, बहुत स्ट्रांग ना सही बट लेकिन ठीक है, तो उस केस में ये चीज़ कन्फर्म करती है कि हाँ चाइल्ड प्रोगेनी इज देयर। अब इसके अंदर मेन चीज़ ये है करने के लिए कि इससे पहले कि मैं आपको एग्जांपल कुंडली से लेकर कुछ बताऊं, मैं आपको कुछ सिंपल योग बताना चाहता हूं जो आज की डेट में, मतलब हमारे पुराने शास्त्रों में इस तरह के योग लिखे हुए हैं जो नॉर्मली कुंडली में आप देख सकते हैं कभी भी संतान के बारे में स्टडी करते वक्त। एक तो ये है कि लग्न आपका जो 1H है, एक फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपका, या तो वो पाँचवें हाउस में चला गया हो, या पाँचवें हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में आ गया हो, या इन दोनों ने एक दूसरे से अपना स्थान बदल लिया हो, तो भी ये योग बनता है चिल्ड्रन का, चाइल्ड का योग बनता है, तो भी योग बनता है। पहले भाव का स्वामी पांचवे में चला जाए, पांचवे का स्वामी पहले में आ जाए, या दोनों आपस में एक दूसरे से स्थान चेंज कर लें, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग इसका बनता है। अब इसमें जैसे दूसरा योग मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा योग इसके अंदर बनता है कि लग्न से, जो लग्न आपका है उससे पांचवा हाउस देखिए, चंद्रमा जो आपका है उससे आप पांचवा हाउस देखिए, और आप देखिए बृहस्पति को। अगर ये तीनों ठीक हैं, कोई इनमें पीड़ित नहीं है, मतलब वेल प्लेस्ड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो उस केस में कि हम कह सकते हैं कि संतान का योग कुंडली के अंदर बनता है। अगर ये पीड़ित होंगे तो ज़रूर संतान के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक तरह का योग होता है कि आपका सन सूर्य हो, मंगल हो आपका, या एक दूसरा तीसरा ग्रह इसमें आपका आता है जुपिटर हो, और पांचवें भाव का स्वामी हो। अगर ये चारों चीज़ें मेल नवमांशा में हैं, मेल नवमांशा में है डी नाइन के अंदर, तो ये भी प्रोगेनी को प्रॉमिस करता है। मेल नवमांशा कौन से होते हैं आपके, आपको मालूम ही है कि जितने भी ऑड साइंस होती हैं 1, 3, 5, 7 वगैरह जो होते हैं वो सारे मेल होते हैं, और जितने भी इवन साइंस होते हैं 2, 4, 6, 8, 12, 10, 12 वगैरह वो सारे आपके फीमेल नवमांशा होते हैं। तो अगर डी नाइन कुंडली में ये सारे, मतलब पांचवें हाउस का भाव का स्वामी, डी वन के पांचवें भाव का स्वामी सूर्य, मंगल और जुपिटर, ये सब मेल नवमांश में हो, तो पक्की बात है कि इसमें संतान का योग कुंडली के अंदर होता है। तो ये आपको बता दिया मैंने, लग्न से पांचवा देखिए, मून से पांचवा देखिए, बृहस्पति से पांचवा देखिए। अब ये तो हुए हमारे योग, अब संतान में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं वो क्या है। प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये हैं कि जब इस तरह का योग अवेलेबल ना हो तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लिया कि आपका पांचवें भाव का स्वामी 6, 8 या 12 में चला गया हो, क्योंकि त्रिक भाव में जाना अच्छी बात नहीं होती, जिस भाव का स्वामी भी त्रिक भाव में जाता है 6, 8, 12 में जाता है उस भाव की हानि होती है। तो पांचवें भाव का स्वामी या 6, 8, 12 में चला गया हो तो हानि हो गई। लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया हो तो कह सकते हैं कि आपकी डिज़ायर भी नहीं है चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, ये सारे मेल नवमांशा में आपके ना गए हों, फीमेल नवमांशा भी बीच में इनमें इशू हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब जो भी आपके योग बनाती हैं चीज़ें, वही अगर नहीं अवेलेबल हैं तो उस कहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुंडली में एक बार देखने के बाद मत डिसाइड कीजिए कि कुंडली के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है। अभी आगे जाके हम बहुत फार्मूलेज और कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं चाहता था कि आप लोग इक्विप्ड हो जाएं ठीक से, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल रहें, सो दैट कि आगे जाके आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको आप पार्ट 1 से, पार्ट 2 से, पार्ट 3 से आराम से देखिए, आगे जाके बहुत सी चेंजेस इसके अंदर मिलेंगे आपको, कन्फ्यूज मत होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें आ गई। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि पांचवें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया, 6, 8, 12 में गया तो भी प्रॉब्लम संतान में हो जाती है।
अच्छा, अब लगन से पांचवा भाव का स्वामी, मून से पांचवे भाव का स्वामी बृहस्पति, ये पीड़ित हुआ तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमने बताया कि ये अच्छे होंगे तो आपका योग बन जाएगा, ये पीड़ित हुआ तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मोटा मोटा समझ गए कि कब ये पीड़ित हो तो क्या होता है और कैसे कुंडली में हम मोटा मोटा ये देख सकते हैं जस्ट इन लेमन कैटेगरी कि भाई किस तरीके से कुंडली चाइल्ड को प्रॉमिस करती है या नहीं करती है। तो ये मोटा मोटा सिद्धांत है देखने के लिए, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सिद्धांत ही सब कुछ नहीं है, ये सिद्धांत बहुत जनरल सिद्धांत है जिसके बारे में आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि कुंडली पे, D1 कुंडली पे आते हैं। अब D1 कुंडली अगर हम देखें तो ये D1 चार्ट है, ये 17 जनवरी 1986 का है, 6:15 बजे सुबह का जन्म है और दिल्ली का प्लेस ऑफ बर्थ है। तो अगर आप ये डालेंगे फिगर कंप्यूटर में अपने, तो अभी कंप्यूटर में ये वाली कुंडली बनकर आ जाएगी। ये कुंडली एक फीमेल की कुंडली है तो हम इसी पे स्टडी करेंगे, और ये कुंडली हमारी थ्रू आउट जितने भी हमारे वीडियोस बनेंगे, पार्ट बनेंगे संतान के, उसमें ये कुंडली ही रहेगी, ताकि आपको रिलेट करना बहुत आसान हो जाए हर चीज़ का। तो अब इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या कहा आपसे कि पहले तो लग्न देखते हैं कि डिज़ायर है या नहीं है। तो लग्न देखिए, लग्न पे ये धनु लग्न है और इस लग्न भाव में हमारे बुध बैठे हैं। बुध एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, नेचुरल बेनिफिक ग्रह हैं, तो इसका मतलब लग्न अच्छा है। इट मीन डिज़ायर इज देयर, इट मीन्स डिज़ायर इज देयर। अब देखते हैं पांचवा हाउस, मैंने बताया कि पांचवा हाउस देखते हैं, पहले तो लग्न देख लिया आपने, लग्न देख लिया, अब पांचवा हाउस देखिए। पांचवा हाउस देखा तो पांचवे हाउस में क्या है, ये राशि है, लेकिन खास बात है कि पांचवे हाउस में राहु बैठा है। तो देखने लगेगा कि राहु बैठा है तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि पांचवा हाउस मैलिफिक प्लेनेट से एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसा नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि पांचवे हाउस का स्वामी है मंगल और मंगल अपने भाव को देख रहा है। और सभी ग्रंथों के अनुसार कि कोई भी स्वामी अगर अपने भाव को देखता है तो उस भाव की हानि नहीं होने देता, उस भाव की वृद्धि करता है। तो इसका मतलब पांचवा भाव भी आपका स्ट्रांग हो गया, लग्न भी आपका ठीक है, पांचवा भाव भी स्ट्रांग आपका हो गया। अब पांचवे भाव का स्वामी देखिए आप, पांचवे भाव का स्वामी कौन है, मंगल, मंगल हो गया, मेष राशि है पांचवे भाव में, मंगल त्रिकोण का स्वामी है, यहाँ पे त्रिकोण में एक राशि आ रही है इसकी, और बैठा कहाँ पर है, लाभ भाव में। तो ये भी अच्छी पोजिशन है, त्रिकोण का स्वामी होकर अगर लाभ भाव में बैठा हुआ है तो वृद्धि वाला भाव है, अच्छी बात है। तो इसका मतलब मंगल भी ठीक है, बट केतु के साथ है। यहाँ एक छोटा सा बट लगा हुआ है कि मंगल है तो अच्छा, लेकिन केतु साथ बैठा हुआ है, तो केतु साथ बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम के साथ प्रोगनी होगी, मतलब जो बच्चा होगा वो थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ होगा। तो चाहे वो सीजरियन ऑपरेशन हो या किसी और तरीके से मतलब प्रॉब्लम हो, मतलब तो नॉर्मल डिलीवरी वो नहीं कह पाते हैं उस चीज़ को, इस तरह से नहीं हो पाएगा, मतलब फोर्सेप डिलीवरी हो या आपकी सिजेरियन हो, इस तरह की डिलीवरी आपकी इसमें होगी, क्योंकि मंगल इसमें केतु के साथ बैठा हुआ है। तो ये कुंडली बिल्कुल शो कर रही है कि आपका क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप, मैं वही आपको बताना चाहता था कि लग्न देखिए, फिर आपके लग्न से डिज़ायर मालूम पड़ती है, उसके बाद पांचवा भाव देखिए कि पांचवा भाव में कोई अफ्लिक्टेड तो नहीं है, उसके बाद पांचवे हाउस का भाव स्वामी देखिए, और फिर बृहस्पति देखिए। अब अगर हम बृहस्पति यहाँ पर देखें तो बृहस्पति ये लग्नेश है, क्योंकि बृहस्पति को हमने बताया कि वो कारक है, तो बृहस्पति यहाँ देखें तो लग्नेश है, और बृहस्पति यहाँ पर गया हुआ है दूसरे भाव में, धन भाव में गया हुआ है। तो लग्नेश धन भाव में जाता है तो धन की अच्छी वर्षा होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बृहस्पति भी इस कुंडली में अच्छा है, पांचवा भाव भी इस कुंडली में अच्छा है, लग्न भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, और जो पांचवें भाव का स्वामी है मंगल भी अच्छा है, थोड़ा केतु के साथ है। तो ये मतलब प्रॉमिस करती है कुंडली कि चाइल्ड होगा, लेकिन हो सकता है कि माइनर मेडिकल प्रॉब्लम के साथ हो। तो ये आपका ये डिसीजन इसके अंदर ये हो गया। अब इसी को थोड़ा और कंफर्म अगर आप करना चाहें, थोड़ा और आगे जाना चाहें, तो ये D9 चार्ट है हमारा, नम्मांशा चार्ट, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि नौ राशि, राशि के नौ भाग करके D9 चार्ट बनता है। तो ये इसका D9 चार्ट है जो कंप्यूटर से आप डिराइव कर सकते हैं। अब D9 चार्ट में भी अगर आप देखें, इसके अंदर दो मोटी चीज़ देखनी होती है आपने, कि इसके अंदर जो पाँचवें हाउस का स्वामी, जो D1 में, D1 का पाँचवें हाउस का स्वामी कहाँ गया, D1 का पाँचवें हाउस का स्वामी है मंगल, मंगल वहाँ लाभ भाव में था, इधर मंगल कहाँ आ जाता है, इधर मंगल, सॉरी यहां मंगल लिखना भूल गया मैं, इधर मार्स इधर है, तो मंगल इधर आता है त्रिकोण में। तो आप कुंडली कंप्यूटर से बनाएंगे तो आपके सामने ये चीज आ जाएगी। तो मंगल त्रिकोण में आ गया, तो मतलब मंगल की पोजीशन में इजाफा हुआ है,
तो केतु के साथ बैठा से जो डिटोरेशन इसको ज़्यादा होना था वो इतना डिटोरेशन नहीं होगा क्योंकि मंगल और स्ट्रांग हो गया है, नवमांश में जाके वो स्ट्रांग हो गया है, वहाँ लाभ भाव से वो उधर नवमांश में त्रिकोण में चला गया है। अब एक तो ये देखिए, एक देखिए कि जुपिटर कहाँ बैठा है जो संतान कारक है। तो हमने पांचवें भाव का स्वामी देखा D9 में, जुपिटर देखो। अब जुपिटर हम देखना चाहते हैं, जुपिटर लग्न में बैठा हुआ है। तो जुपिटर जब लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न तो ऐसा भाव होता है जो त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है, तो इसका मतलब जुपिटर भी इस कुंडली में स्ट्रांग हुआ। इसका मतलब ये है कि D1 और D9 दोनों कुंडली ये शो करती हैं कि चाइल्ड प्रोगेनी है, चाइल्ड को प्रॉमिस करती हैं। इसमें कोई दो राय इसके अंदर है नहीं, ये आपका मोटा मोटा सिद्धांत इसके अंदर हो गया। आशा करता हूँ ये आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा चैनल, ताकि सब्सक्रिप्शन पढ़ने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं भी नई नई वीडियोज़ आपको अच्छे से डालता रहूँगा। आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको नई नई चीज़ें आगे और बताऊँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।